अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन शामी कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, उसमें मैं ये 2 बड़े मग चने की दाल यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने आधे घंटे के लिए पहले भिगो दिया था, अब मैंने इसका पानी फेंक दिया है। आधा किलो चिकन ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा बारीक कुटा हुआ हरा धनिया, 4 अदद हरी मिर्च, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 टीस्पून इसमें गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च एंड 1/4 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर और हसबे जायका नमक, थोड़ा सा जिंजर अदरक बारीक कुटा हुआ, 4 से 5 लहसुन के जवे यूज़ कर रही हूँ, 2 मीडियम साइज़ की मैं इसमें प्याज यूज़ कर रही हूँ, 2 इसमें अंडे और 1 मग पानी इन सब चीज़ों को बॉईल करने के लिए। एक बर्तन लूँगी मैं, उसके अंदर ये भीगी हुई चने की दाल डाल दूँगी सारी। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर, ऑल स्पाइसेस, हॉट स्पाइसेस, चिकन और 1 मग पानी। अब तेज़ आंच पे मैं इसे बॉईल होने के लिए रख दूँगी। हाई फ्लेम पे मैंने अब इसे पकने के लिए रख दिया है। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो हम इसकी लो फ्लेम कर देंगे। पूरे 3 मिनट के बाद ये बॉईल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके नीचे मीडियम फ्लेम कर दूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। जब चिकन गल जाएगा तो फिर हम चिकन निकाल देंगे, अलग कर देंगे और जो बाकी मिक्सचर है उसे हम गलने के लिए रख देंगे। पूरे आधे घंटे के बाद चिकन तकरीबन गल चुका है, चिकन मैं अलग कर लूँगी। ये देखें, प्लेट में निकाल लूँगी। टोटली जो इसमें चिकन है मैं सारा निकाल रही हूँ। चिकन मैंने अलग कर लिया है, वो गल गया था। अब मैं इसका ढक्कन लगा के रख दूँगी, तब तक पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा और दाल भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर ये कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्ते ऐड कर दूँगी जो मैंने बारीक बारीक कट कर लिए थे, और ढक के रख दूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी है, इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक कम है, वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, 1/2 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक। पानी तकरीबन खुश्क हो गया, मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा सा इसको मॉइस्चराइज रखा है मैंने। ठंडा हो गया चिकन के, मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और दाल मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। ये दोनों ठंडी ही हो जाएंगे, फिर हमें इसे इकट्ठा पीस लेंगे। आप इसे ग्राइंडर में पीस लें, मैं इसे सिल में पीस, मैं सिल में इसे दोनों को अच्छे से पीस लूँगी। दाल को, चिकन को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब मैं इसके शामिल टिक्के, इस मिक्सचर को मैंने अच्छे से पीस लिया था। अब मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेती जाऊँगी और गोल गोल पहले बॉल्स बना लूँगी इसकी। ये गोल बॉल्स बना लिया मैंने, अब मैं इसे ऐसे टिक्के बना लूँगी। मैं इसकी टिक्की बना चुकी हूँ और ऐसे बारी बारी मैं सब मिक्सचर्स की गोल टिक्की बना के रख लूँगी। एक पैन में बड़ा चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल के रख दिया है, कुकिंग ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर टिक्की डाल दूँगी जो मैंने बनाई थी। इस टिक्की को पहले मैं अंडे में डिप करूंगी। इस अंडे में मैंने काली मिर्च और नमक डाल दूंगी, मैं इसे अंडे में डिप कर लूंगी अच्छे से और इसे कुकिंग ऑयल में रख लूंगी। ऐसे बारी बारी मैं सारी टिक्कियों को अंडे में डिप करके मैं रखती जाऊंगी और इसके लिए
बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे कुकिंग ऑयल में डाल के रख दिया था। अब मैं इसकी साइड बदल दूंगी। ये लाइट ब्राउन कलर की हो गई है, तकरीबन सभी टिक्कियाँ हम ऐसे बदल देंगे। लो फ्लेम पे मैंने ये टिक्की की साइड बदल दी है, ये लाइट ब्राउन कलर की हो गई है, इस तरह ये जलती नहीं है। और साथ साथ इसका क्या, पहले मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी, जले नहीं। ये देखें मैंने अगेन चेंज कर दी है, दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन कलर हो गया उसका। ये देखें तकरीबन दोनों साइड से ये अच्छी तरह बन चुके हैं। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और शामी टिक्की बनके तैयार है। इसकी फ्लेम मैंने बंद कर दी है, ये मैं निकाल लेती हूँ। ये सारी टिक्कियाँ मैं निकाल दूंगी। प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर बिछा लिया है, उसमें बाकी कुकिंग ऑयल जज्ब हो जाएगा। चिकन शामी की रेसिपी बनके तैयार है। इसकी मैंने आज आपको इजी रेसिपी बताई, आप इसे ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। आप इसे पुलाव के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ और किसी गेस्ट को देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपके साथ रायता, केचप, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा मुनासिब लगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।